Hello students, welcome to math classes. Today we solve question 8 of exercise 5.2, chapter 5, arithmetic progression for standard 10. So question 8 is, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या दे देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कौन सा डेटा दिया गया है, पहले तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास टोटल ये एपी कौन सी है, 50 टर्म्स की एपी है, जिसमें से हमें थर्ड टर्म दिया गया है, मतलब A3 दिया गया है 12। दूसरा हमें लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे 50 टर्म्स है टोटल। सपोज यहाँ से अगर कोई एपी ली जाए 2, 4, 6, इस तरह से ये कौन से लास्ट में कौन से टर्म तक आती है, A1, A2, A3 करके यहाँ पे A50 तक, लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा A50 तक। तो यहाँ पे 50, ये 50 नंबर का टर्म कौन सा आता होगा। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया है, तो ये लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, A50 इज इक्वल टू 106। हमें फाइंड आउट करना है A29। ओके, तो जब भी हमें कोई टर्म्स फाइंड आउट करना होता है या कुछ भी एपी के अंदर आता है, तो पहला हमारा टारगेट होता है ए और डी फाइंड आउट करना। ए और डी फाइंड हो जाएंगे तो हमें कोई भी आंसर मिल सकता है। तो पहले हम इन दोनों की मदद से ए और डी फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आराम से मिल जाएगा। तो चलो पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी की फॉर्मूला क्या है, AM - AN / M - N। तो AM मतलब ये 50, A50 माइनस AM मतलब A3 डिवाइडेड बाय AM माइनस N, तो जो बड़ा होता है M, तो M मतलब कितना हो गया 50 और D मतलब 3, तो यहाँ पर 50 मतलब कितना हो जाएगा 106 और A3 मतलब 12। तो यहाँ पे AM का मतलब होता है इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो, ये देखना नहीं है, ये इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, AM बन जाएगा, और जो दूसरा होगा वो हमारा AN बन जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है वो M की वैल्यू होती है, मतलब कि जो बड़ा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो M की वैल्यू है, और M की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो हमारी N की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 50 - 3 मतलब 47। तो अब 106 में से अगर 12 हम निकाल दें तो 4 बचा, और 10 में से 1 मतलब 94 डिवाइडेड बाय 47। सपोज 47 2 करते हैं तो ये हमारा 94 हो जाएगा, तो 47 2 इसका मतलब हमारा डी आ गया 2। डी की वैल्यू मिल गई है, तो इसके ऊपर से हम ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल हमारे पास है A3 इज इक्वल टू 12, तो A3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2 लिख सकता हूँ। A3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 × 4 हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12। ये प्लस है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, क्योंकि 12 में से 4 चला गया, तो हमें क्या बचेगा 8। अब हमारे पास डी आ गया और ए भी आ गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A29। तो A29 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A+28D लिख सकता हूँ। जैसे हमने A3 की जगह पे A+2D लिख सकते हैं, उसी तरह से 29 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A+28D। तो ए की वैल्यू है 8+28 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 2। तो 8+6 56 हो जाएगा, 56+8 मतलब 64। तो ये हमारा 829 कितना मिल गया, 64। तो इस तरह से हमें आंसर 29 का मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।